सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, दिस इज शुभम, यू वाचिंग एसआरडी व्लॉग्स। गाइज, आज मैं और मेरा दोस्त पार्थो, हम दोनों आ चुके हैं। पार्थो को आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाले व्लॉग में, दीघा वाले व्लॉग में, वो भी मेरे साथ है। तो आज मैं और पार्थो आ गए दक्षिणेश्वर, हम दोनों का ऑफ था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और हम लोग दोनों का छुट्टी भी ऑफिस तो घूम लिया जाए। तो गाइज, अभी हम जो है हम पहुंच गए, अभी अंदर जो है वो कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं है, तो अंदर हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो पूजा हम लोग ने दे दिया, अभी हम लोग जा रहे हैं बेलूर मोट, जो कि यहाँ से हम लोग बोट से जाने वाले हैं, जो यहाँ से लॉन्च यहाँ से जाता है। तो अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग खाना भी खा लिया क्योंकि सुबह हम लोग कुछ खाए नहीं थे, तो माता का पूजा देना था, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पानी पी के आए थे। तो पूजा देना हो गया, अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं, लंच कह सकते, लंच कर लिए। यहाँ पर आओगे तो हींग कचौरी ज़रूर खा के जाना, यहाँ की स्पेशलिटी है। कोलकाता में तुम्हें इससे अच्छी हींग कचौरी कहीं पर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आओ तो ज़रूर खा के जाना। तो अभी पार्थो के साथ, पार्थो का एक भाई भी आया है, तो मैं, पार्थो और पार्थो का छोटा भाई, हम लोग जा रहे हैं अभी। सो गाइज, अभी हम लोग जो है टिकट हम लोग ने ले लिया है, और अभी जो है बोट रहते हर आधे घंटे में, आप यहाँ से एक बोट निकलेगा बेलूर मठ के लिए। और अभी हम लोग आते आते जो बोट 2 बजे का, अभी 2 बज रहे हैं, तो बोट अभी निकल गया, अभी फिर 2:30 बजे में और एक बोट है, हम लोग उससे जाने वाले हैं। तो अभी वेट करना पड़ेगा इस साइड, व्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जहाँ से ऊपर से ब्रिज जा रहा है नीचे से, बहुत अच्छा व्यू है। जो लोग फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेस है फोटोग्राफी के लिए। पार्थो का ये छोटा भाई और मैं, हम लोग बोट पे चढ़ चुके हैं। अभी तक जो बोट पीछे आप लोग सुन ही रहेंगे, पीछे आवाज़ शोर बहुत हो रही है, तो अभी पहले पहुंच जाते, उसके बाद जो है बाकी का शूट जगह आपको दिखाते हैं, है ना भाई। यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत शोर है, तो अभी यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग को सुनाई नहीं देगा। अभी लंच हम लोग ने कर लिया है, तो अभी जा रहे हैं बेलूर मठ। हम लोग पहुंच गए थे बहुत देर पहले, लेकिन भूख बहुत लगी थी उस टाइम, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हम लोग कचौरी खाए थे। तो अभी खाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, और मैं पहली बार आया हूँ, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। ये पहली बार आ चुका है ना, कितने बार आ चुका है पहले? 3-4 बार ये आ चुका है, तो इसके लिए शायद उतना नया कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। ये भाई पीछे है, और ये हमारे आज के ट्रैवलर, मतलब गाइड, टूर गाइड अभी जा रहे। लेकिन भाई साहब, कुछ गर्मी थी आज, हम लोग जब चल रहे थे ना मंदिर में, तब पैरों के नीचे ऐसे लग रहा था कि अंगारों के ऊपर चल रहे थे, है ना। पैर में और थोड़ी देर में चलता तो शायद छाले पड़ जाते। तो अभी हम लोग पहुंच गए, Thank you.
पीछे जो ये पेड़ है आप देख रहे हैं, तो इसी में इसी के नीचे बैठ के स्वामी विवेकानंद जी जो है अपना ध्यान पे बैठते थे। फिलहाल पाठौर में आ चुके हैं आद्यापीठ। अभी बज रहे हैं 6:15, 6:30 को खुलेगा। आज लग बहुत नसीब बहुत साथ दिया है कि जहाँ पर भी गए कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर खुला नहीं मिला, तो हर जगह जाए जहाँ पर भी गए दर्शन किए बहुत अच्छी तरह से। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अंदर जो है कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसी वजह से जो कैमरा अंदर नहीं ले जा पाया। लेकिन जिस वजह से जो मेन रीज़न है दर्शन के लिए आए थे वो तो हमसे हो गया। तो अभी लास्ट आज वही हैं, तो अभी आद्यापीठ अभी 15 मिनट में खुलेगा मंदिर, दर्शन करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब प्लीज। सो तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, दोस्तों को हेलो, साइनिंग ऑफ शुभम, बाय बाय।